हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लेटेस्ट जो जॉब अपडेट्स है, जॉब वैकेंसी आपका ऑल ओवर इंडिया की जो वैकेंसी है, ये आपका एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। खास करके एसएससी को ये जिम्मेदारी दी गई है ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए। आपका जो एग्जामिनेशन है ये आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 है। ये जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 है, इसके अंदर आपका तीन प्रकार की वैकेंसी है। अलग अलग आपका मिनिस्ट्री, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसमें जो वैकेंसी दिया गया है आपका एसएससी को दिया गया है, और एसएससी इसका जो रिटर्न एग्जामिनेशन जो सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करा के जो वैकेंसी को पूरा करने की जिम्मेदारी आपका एसएससी को दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर आपका खास करके जो कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे, ये 10+2 पास किए हुए जितने भी कैंडिडेट्स हैं, 10+2 मतलब 12th पास किया हुआ कैंडिडेट्स इस जो वैकेंसी के ऊपर आवेदन कर पाएंगे। टोटल वैकेंसी अप्रोक्स आपका 1600 की आसपास की वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें जो आवेदन होगा उसका ऑफिशियल वेबसाइट आपका एसएससी का यहाँ पर दिया गया है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसमें आवेदन करने के लिए सभी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, अभी देखिए इसमें इस जो नोटिफिकेशन के अंदर जो तमाम डिटेल्स हम इसमें वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए, इसमें सभी जो पॉइंट्स को बड़ी गहराई से रखूंगा। सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट डेट्स, मतलब आपका अप्लाई का जो स्टार्टिंग डेट क्या रहेगा, अंतिम तिथि क्या रहेंगे, जो एग्ज़ाम डेट्स क्या रहेंगे, आपका करेक्शन का डेट क्या रहेगा, टाइप ऑफ पोस्ट, जैसे इसमें तीन प्रकार की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा इस नोटिफिकेशन में। सबसे पहला आपका जैसे पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क की, दूसरा वैकेंसी आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी, और तीसरा जो वैकेंसी है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। ठीक है, अभी देखिए इसमें वैकेंसी डिटेल्स, जो वैकेंसी डिटेल्स आपका एज लिमिट और उसके साथ साथ आपका रिलैक्सेशन, जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिलैक्सेशन किस तरह से रखा गया है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, और कौन सी कैटेगरी के लिए आपका एप्लीकेशन फीस जो है एग्जम्प्ट किया गया है, मतलब उनको देना भरना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका करेक्शन ऑफ डाटा, जैसे करेक्शन का जो विंडो ओपन होगा, जैसे किसी भी कैंडिडेट्स को अप्लाई करते समय अगर किसी प्रकार आप गलती करते हैं उसके लिए करेक्शन के लिए 2 दिन का इसमें टाइम दिया गया है, तो वो डेट कौन सी रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जाम्स आपका क्या रहेंगे, जो हर एक आपका रीजन वाइज। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, नेगेटिव मार्किंग, आपका हर एक पोस्ट वाइज आपका सिलेबस क्या रहेगा, पोस्ट प्रेफरेंसेस, जैसे मतलब आप कौन सी डिपार्टमेंट में का जो आप कार्य, अगर आपका सिलेक्शन होता है फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएंगे। ठीक है, वो मतलब आप कौन सी जो मिनिस्ट्री के अंडर काम करना चाहते हैं, कौन सी डिपार्टमेंट के अंडर में वैकेंसी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें आपका पोस्ट प्रेफरेंस का सारे डिटेल्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा, कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सभी डॉक्यूमेंट के बारे में इसमें डीपली बताऊंगा। और जो आपका कट ऑफ रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब आप जैसे आपका कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ रहेगा क्या रहेगा, और फाइनल जो सिलेक्शन होगा किस आधार पर होगा, ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो में थोरली इसमें मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखिए इसका जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन या संपूर्ण जानकारी को शुरू करने से पहले मेरा देश के सभी जो कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो वैकेंसी के ऊपर जो आपका बोथ मेल एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स, खास करके जो 10+2 पास किया हुआ कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन से पहले सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं या पहले से अगर विजिट करते आ रहे बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग अगर इसी तरह की जो जॉब अपडेट्स अगर पाना चाहते हैं तो कृपया करके जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ साथ इस चैनल को जो है इसका बेल आइकन को प्रेस करके चैनल के लिए पर्सनलाइज बन सकते हैं। और सेकंड चीज़ कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आप लोगों को एक तो अंत तक देखिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है पक्का एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका जो फ्रेंड सर्कल में कोई अगर ऐसे कैंडिडेट्स है, कोई आपको आपका अगर कोई दोस्त है जो कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उनको भी शेयर कर दीजिए। चलते अभी समय नष्ट न करते हुए अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन के ऊपर देखिए। सबसे पहले जो इस वैकेंसी के ऊपर आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है, यहाँ पर देखिए टोटल जो डेट रहेगा आपका 9 मई 2023 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्ट, और 8 जून 2023 तक आप अप्लाई कर पाएंगे, जो अंतिम डेट रहेगा 8 जून 2023। यहाँ पर लास्ट डेट जो दिया गया है 8 जून 2023 दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट,
इसमें देखिए पेमेंट करने की जो दो प्रोसेस रखा गया, एक तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं जो एप्लीकेशन फीस को, नहीं तो आप ऑफलाइन अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा और आप जो है SBI में जाके किसी ब्रांच में जमा कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ऑनलाइन पेमेंट तो फर्स्ट कोशिश कीजिए, अगर ऑनलाइन पेमेंट में किसी प्रकार की अगर दिक्कत होता है आप ऑफलाइन चालान जनरेट करके आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है आपका 10 जून, कोई कैंडिडेट्स अगर ऑनलाइन माध्यम से अगर जमा नहीं हो पा रहे, अगर वो चालान के माध्यम से अगर चालान जनरेट करके और बैंक में जाके जमा करना चाहता है तो ऑनलाइन जो चालान जनरेट करने का जो अंतिम तिथि है 11 जून 2023 रखा गया है, और ऑनलाइन जो आपका चालान के थ्रू जो कैंडिडेट बैंक में जमा करना चाहते हैं उसका आखिरी तिथि 12 जून 2023 तक आप जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए आपका अप्लाई डेट खत्म होने के बाद अगर किसी भी कैंडिडेट्स को लगता है कि आपका एप्लीकेशन में किसी प्रकार आप गलत कर बैठे हैं और उसको करेक्शन करना चाहते हैं, करेक्शन के लिए 2 दिन के लिए आपका करेक्शन विंडो खुलेगा। ठीक है, 14 जून से लेकर 15 जून 2 दिन का खुलेगा, तो उसी टाइम आप अपना करेक्शन जो है एक नॉमिनल चार्ज के साथ आप करेक्शन कर सकते हैं। आपका देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 2 स्टेजेस रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले आपका टायर वन जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, और ये टेंटेटिवली अगस्त 2023 दिया गया, अगस्त की महीना में कोई भी एक डेट जो है फिक्स करेगा आपका SSC फिक्स करेगा। सेकंड, आपका टायर टू का जो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा ये डिसाइड किया जाएगा, जैसे टायर वन का रिजल्ट आने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा जो आपका टायर टू का एग्जामिनेशन कब होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे आपका पोस्ट मैंने बताया था, सबसे पहले आपका लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट या ऑफिसेस में जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की बेसिस पे। इसमें देखिए जो पे स्केल है इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क जो LDC या आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट दोनों का पे स्केल सेम है। पे लेवल 2 के अंतर्गत इनको पे दिया जाता है 19,900 से लेकर आपका 63,200 इनका पे स्केल रहता है। उसी हिसाब से नेक्स्ट देखिए आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका दो लेवल है। एक तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड ए है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, उसका सैलरी देखिए उनका सैलरी पे लेवल 4 के अंतर्गत दिया जाएगा 25,500 से लेकर 81,100 है। और जो खास करके आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसमें देखिए जो लेवल फाइव में उनका पे रहेगा 29,200 से लेकर आपका 92,300 पे स्केल रहेगा। नेक्स्ट अभी बात करेंगे इसका वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी है क्लियरली बताया गया है, टेंटेटिव जो वैकेंसी है अप्रोक्स आपका 1600 के आसपास वैकेंसी है और इसमें वैकेंसी की जो बढ़ोतरी भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में दिया नहीं है, यह आपको मिलेगा आपका वेबसाइट पे, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट पे। कैटेगरी वाइज मीन्स आपका टोटल वैकेंसी को किस तरह से जो कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जैसे आपका जनरल के लिए कितने हैं, OBC के लिए कितने हैं, आपका जो SC ST के लिए कितने हैं, EWS के लिए कितने हैं, इस तरह की जो अगर वैकेंसी आप देखना चाहते हैं आपको सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट, यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट में जाना होगा। वेबसाइट में जाने के बाद आपका कैंडिडेट कॉर्नर का ऑप्शन चूज करना होगा, उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसी के ऊपर जब क्लिक करेंगे उसमें आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल्स उसमें आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं उसमें आपका जोन वाइज या स्टेट वाइज वैकेंसी वगैरह आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिजर्वेशन, किन किन कैंडिडेट्स को इसमें आपका रिजर्वेशन मिलेगा, जैसे आपका SC ST, आपका OBC, ठीक है, आपका EWS जो कैंडिडेट्स है और जो PWD पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ESM कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन जो रिटायर्ड सोल्जर्स है उनके लिए इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट खास करके एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स है उनके लिए देखिए, जैसे सबसे पहला जो से पोस्ट यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए जैसे आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है इसमें कौन सी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को जो है इसमें एलिजिबल माना गया है जो नोटिफिकेशन के अंतर्गत। देखिए जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर एग्जांपल लो विजन वाले जो कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग वाले जो कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो इसी तरह के जो आपका जितने भी आपका डिसेबल जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स है सबको अपना कैटेगरी पता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पोस्ट वाइज, जैसे लोअर डिवीजन के लिए बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर लोअर डिवीजन के लिए आपका जो लोअर डिवीजन के लिए कौन सा जो डिसेबिलिटी कैटेगरी इसमें एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है आपका एज लिमिट, यहाँ पर देखिए जो एज लिमिट जो रखा गया है, सबसे पहले जो एज लिमिट के लिए जो क्रूशियल डेट रखा गया है वो 1 अगस्त 2023,
1 अगस्त 2023 के आधार पर आपका मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट दोनों काउंट किए जाएंगे। तो जो इसमें देखिए एज लिमिट जो रखा गया है 18 से 27 साल, मिनिमम एज कैंडिडेट्स का 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ रिलैक्सेशन जो दिया गया है, जैसे यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, खास करके जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनका 5 साल की रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब कोई भी SC ST कैंडिडेट 27+5 मतलब 32 साल तक, आपका उम्र का 32 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह से जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन, 27+3 मतलब OBC कैंडिडेट 30 साल तक आवेदन कर पाएंगे। जो PWD अनरिजर्व्ड है उनके लिए 10 साल की छूट, दैट मीन्स 37 साल तक जो PWD हैंडीकैप्ट अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 37 साल तक आवेदन कर पाएंगे। अगर PWD OBC कैटेगरी से है तो आप जो है 40 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर PWD कैंडिडेट से अगर SC ST से बिलोंग करते हैं 43 साल तक, 5 साल के ना 15 साल के रिलैक्सेशन के साथ 43 साल तक इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट बाकी यहाँ पर और कुछ रिलैक्सेशन अदर कैटेगरी के लिए दिया गया है, आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर देखिए जो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, नेक्स्ट आता है जो खास करके ये प्रोविजन ऑफ आपका कंपेंसेटरी टाइम एंड आपका जो असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब, खास करके जो PWD कैंडिडेट, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स है, जैसे आपका ब्लाइंडनेस, जो आपका कैटेगरी जो ब्लाइंडनेस कैंडिडेट्स है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिनका बोथ आर्म जो है काम नहीं कर रहा है, लोकोमोटर बोथ आर्म अफेक्टेड है, या कोई हैंडीकैप कैंडिडेट जो सेरिब्रल पॉलिसी के अंदर आता है, अगर उनको स्क्राइब मतलब वो स्क्राइब श्रुत लेखक चाहते हैं, उनका पेपर को कोई कैंडिडेट्स को लिखने के लिए अगर वो चाहते हैं तो उसका जो है उनको मिलेगा, उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो एग्जाम सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। बट इसके अलावा जितना रिमेनिंग आपका हैंडीकैप्ट के कैंडिडेट्स है, उनका अगर किसी कैंडिडेट का राइटिंग लिमिटेशन है, ठीक है, वो कैंडिडेट्स जो राइटिंग जो लिमिटेशन का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके अपना स्क्राइब डिमांड कर सकता है। जो आपका उसके लिए आपका जो फॉर्मेट देखिए Annex 1 में जारी किया गया है, आपका जो राइटिंग लिमिटेशन का एक जो फॉर्मेट जारी किया है, जो सबसे लास्ट में मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, Annex 1 में वो सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप श्रुत लेखक यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट अभी बात करेंगे देखिए, और इसमें ये जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए थोड़ा डीपली इसको मैं चर्चा करता हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी कौन सी डिपार्टमेंट में है वो मैं बताता हूँ। पहला जो वैकेंसी आपका कंट्रोलर एंड आपका ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको CAG डिपार्टमेंट कहते हैं, इसमें आपका वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ आपका कंज्यूमर अफेयर्स, इसमें आपका वैकेंसी है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपका वैकेंसी है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसमें आपका वैकेंसी है। सबसे जो पहला पोस्ट है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर DO, आपका DO की वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर, नहीं तो किसी डिपार्टमेंट में आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A का वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज किसी भी तरह की नहीं होना। एक तो किसी डिपार्टमेंट में आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर की तौर पे वैकेंसी है, और किसी डिपार्टमेंट में आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर Grade A की वैकेंसी है। और ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है इन्हीं डिपार्टमेंट में, ये जो डिपार्टमेंट अभी दिया, इसके लिए जो कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे, देखिए उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपका खास करके आपका 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ये जो डिपार्टमेंट अभी मैं डिस्कस किया, उसके लिए आपका 12th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम से पास आउट चाहिए, जिसके अंदर उनका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है जैसे आपका LDC या उब्लिक आपका JS है, जो लोअर डिवीजन क्लर्क या आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, या आपका एंड आपका DO एंड DO ग्रेड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट DO इन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, जो डिपार्टमेंट के बारे में इसमें यहाँ पे हमने चर्चा किया है, ये देखिए ये जो 8.1 में जो डिपार्टमेंट के बारे में हमने चर्चा किया है, इन्हीं डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी अदर जितने भी आपका डिपार्टमेंट्स है उसमें LDC आपका JS है, DO और DO ग्रेड A के लिए, इन्हीं चार पोस्ट के लिए इसमें जो कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे वो सिर्फ 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होने से चलेगा। मतलब आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से होने से आप चलेगा, अगर आप LDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप JS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या DO या आपका DO ग्रेड A के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
इधर जो ऊपर जो 8.1 में जो चार डिपार्टमेंट चार मिनिस्ट्री को छोड़कर बाकी जितने मिनिस्ट्री में अगर आप अप्लाई आवेदन करना चाहते हैं सिर्फ उसमें आपको 12th पास चाहिए, उसमें साइंस भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, आर्ट्स भी हो सकता है। तो इसलिए किसी भी तरह की कन्फ्यूज आप लोग होना नहीं है। इसमें एक और चीज़ कहा गया है, जो कैंडिडेट्स मतलब 12th का एग्जाम अपीयर किए हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, उस तरह के जो कैंडिडेट्स है वो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बट उनका रिजल्ट इससे पहले आना चाहिए। जैसे 1 अगस्त 2023 से पहले पहले उनका पास आउट का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी वो कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा वो कॉन्सर्न डिपार्टमेंट, जैसे आपका SSC जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएगा, SSC सिर्फ आपका रिटर्न एग्जामिनेशन जो टायर 1 टायर 2 कंडक्ट करवाएगा, उसके बाद एक फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जैसे आपका आपका जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन उसका फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद अगर आप क्वालिफाइड माना जाते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप जिस डिपार्टमेंट के लिए एज ए प्रेफरेंस दिया है, ठीक है, उसी डिपार्टमेंट जो है कराएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेज में उसमें लेटर स्टेज में बताऊंगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका हाउ टू अप्लाई, जैसे मैंने पहले से बता रखा हूँ, इसमें इस जो वैकेंसी के ऊपर ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर पाएंगे, किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की जो वेबसाइट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन फीस, यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन फीस जो रखा गया है ये आपका 100 रुपीज एक नॉर्मल चार्जेस रखा गया है, बट खास करके जो SC ST कैंडिडेट्स PWD कैंडिडेट्स एंड जो सर्विसमैन कैंडिडेट्स इनको कोई फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, इनको फीस जो है एग्जम्प्ट किया गया है, ठीक है, फीस में इनको छूट दिया गया है। और ये जो फीस को जमा करने की जैसे मैंने शुरू में बताया था आपका दो माध्यम है, एक तो ऑनलाइन माध्यम से आपका भीम UPI या नेट बैंकिंग या आपका वीजा कार्ड मास्टर कार्ड आपका मेट्रो कार्ड रुपए या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जरिए आप अपना ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन पे करने में किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत परेशानी आने पर आप जो है एक जो है जो चालान जनरेट कर सकते हैं, चालान जनरेट करके आप जो है किसी भी आपका नज़दीकी SBI ब्रांच में जमा कर सकते हैं। इसमें देखिए अगर आप चालान के माध्यम से अगर आप करते हैं ऑनलाइन अगर फीस जमा करते हैं तो आपको 10 जून 2023 तक आप जमा कर सकते हैं, बट जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन फीस जमा नहीं कर पाते अभी किसी भी कारण से वो कैंडिडेट्स चालान के जरिए SBI चालान के जरिए जमा कर सकता है, बट SBI चालान को आपको जनरेट करना होगा और SBI चालान को जनरेट करने की जो आखिरी तिथि है यहाँ पर देखिए 11 जून 2023 है और 11 जून 2023 को तक आप जो है जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन चालान को, और उसके बाद आपका 12 जून 2023 तक इसको ऑनलाइन आपका जो चालान जनरेट किया है उसको जाके आप नज़दीकी किसी भी SBI से आप जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आपका करेक्शन विंडो की, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। इसमें जैसे शुरू में बताया था इसमें दो आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अगर आप किसी भी कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की डाटा में करेक्शन करने की जरूरत पड़ता है तो यहाँ पर 2 दिन 14 जून 2023 और 15 जून 2023 दो दिन जो है आपका विंडो खुले रहेंगे और इसी 2 दिन के अंदर आपको करेक्शन एक नॉमिनल चार्जेस इसमें आपका देखिए जो 200 रुपये के साथ आप जो है अपना एप्लीकेशन को करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेकेंड टाइम आप करेक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपये करेक्शन चार्जेस इसमें लगेगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका देखिए सेंटर ऑफ एग्जाम, जो सेंटर ऑफ एग्जाम है यहाँ पर दिया गया, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे सेंटर ऑफ एग्जाम में देखिए सेंटर नाम दिया हुआ है उसके साथ एक कोड नंबर भी दिया हुआ है और रीजन वाइज दिया हुआ है, रीजन वाइज कौन सी रीजन में कौन सा स्टेट आता है, इसमें आपको ध्यानपूर्वक थोड़ा सा यहाँ से सुनिए। देखिए सबसे पहले जैसे मैं बताना चाहूँगा ये सेंट्रल रीजन के अंदर आपका बिहार उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट कवर करते हैं। जो बिहार और उत्तर प्रदेश वाले जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे जितने भी सेंटर्स दिया गया है हर एक का कोड भी दिया गया है, इन्हीं सेंटर में से आप 3 सेंटर जो है आपका प्रियोरिटी के हिसाब से Priority 1 में कौन सा सेंटर लेना चाहते हैं, Priority 2 में कौन सा सेंटर देना चाहते हैं, Priority 3 में कौन सा सेंटर देना चाहते हैं, मतलब 3 चॉइस आप दे सकते हैं। और जो रीजन के अंदर आप आते हैं उसी रीजन का यहाँ पे देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होने से इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप जो है चेक कर सकते हैं एक बार अगर आप अप्लाई करने के बाद। उसी तरह आपका ईस्टर्न रीजन में देखिए आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स आता है, झारखंड, ओडिशा, आपका सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल आता है,
ठीक है। यहाँ पर आपका तीसरा रीजन कर्नाटक केरला रीजन के जो है, यहाँ पे जैसे लक्षद्वीप आपका कर्नाटक एंड केरला के लिए है, उसी तरह आपका देखिए जो भोपाल मध्य प्रदेश, ये जो सब जो रीजन है इसमें देखिए आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपका अरुणाचल, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हैं जो सदर्न रीजन में आपका जैसे दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के जो कैंडिडेट्स इसमें एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न जो सब रीजन में आपका जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, आपका चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड पंजाब, ये जो कैंडिडेट्स जो है आप नॉर्थ ईस्टर्न सब रीजन के अंदर आते हैं तो एग्जाम सेंटर उसी हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ऐसे ही सदर्न रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं, सदर्न रीजन के खास करके जो कैंडिडेट्स हैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए जैसे आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, आपका तमिलनाडु एंड जो तेलंगाना के लिए एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिया गया है, ये आपका एग्जाम सेंटर है, इसी से आपका एग्जाम जो चूज करना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे वेस्टर्न रीजन में यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका दादरा एंड नगर हवेली, अब दामन एंड दीव, गोवा, आपका गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर आप जो है आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर, जो तीन एग्जामिनेशन सेंटर आपका प्रेफरेंस के हिसाब से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो कैंडिडेट्स है काफ़ी उसमें कन्फ्यूजन होते हैं, वो कन्फ्यूज जो होते हैं दो तीन चीज़ों से होते हैं। एक तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कन्फ्यूज होते हैं, दूसरा आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कन्फ्यूज होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा। देखिए इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका दो स्टेजेस रखा गया है, एक है टायर वन, दूसरा है टायर टू। टायर वन में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, टायर टू में जो है उनको अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज जो टायर वन में जो क्वालिफाई जो कैंडिडेट्स नहीं करेंगे उनको टायर टू का अपॉर्चुनिटी उनको नहीं दिया जाएगा। देखिए अभी नेक्स्ट आता है आपका जैसे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपका टायर वन के अंदर क्या क्या आपका जो कार्रवाई करनी होगी, कितने स्टेजेस रहेंगे। यहाँ पर देखिए आपका, देखिए जो टायर वन में जो आपका चार पार्ट रहेंगे, एक दो ये तीसरा और चार पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट में आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक नॉलेज, इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का मूल्य 2 मार्क का होगा, मतलब 50 मार्क का होगा। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क का होगा। आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 25 क्वेश्चन 50 मार्क का, आपका जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क का। समय इसमें दिया जाएगा 60 मिनट समय रहेगा, मतलब 1 घंटा समय दिया जाएगा। बट जो कैंडिडेट्स आपका स्क्राइब यूज करेंगे, ठीक है, जिनको जो अगर स्क्राइब यूज करते हैं या जिनको फिजिकल लिमिटेशन है राइटिंग के, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको 20 मिनट समय ज़्यादा दिया जाएगा। इसमें नेक्स्ट आता है, इसमें देखिए जो टायर वन है ये प्योरली आपका कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग देखिए 0.50, दैट मीन्स आपका जो हर एक क्वेश्चन का मूल्य जो है, जैसे टायर वन में 2 मार्क दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि आपका अगर गलत करते हैं जो है आपको आधा मार्क और काट दिया जाएगा। गलत के लिए तो आपका 2 मार्क कटेगा, उसके अलावा आपका आधा मार्क और कट जाएंगे। सेकंड आता है आपका टायर टू, जो कैंडिडेट्स आपका टायर वन में क्वालिफाई करेंगे उनको टायर टू में जो है एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ठीक है। टायर टू में देखिए इसमें सबसे पहले जो टायर टू में 2 बट सेक्शन रहेंगे 3, कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपका, देखिए जैसे टायर टू में सबसे पहला सेशन 1, ये है आपका सेशन 1 जो होगा, जिसके लिए समय दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। बट ये जो सेशन 1 में सेक्शन कितने रहेंगे, आपका सेशन 1 में सेक्शन रहेंगे 3, सेशन 1 में सेक्शन 3। जैसे पहला सेक्शन में आपका मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी का क्वेश्चन आपका रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 30 रहेगा, ठीक है। और ऐसे मॉड्यूल 2 में, ये आपका सेक्शन 1 में, मॉड्यूल 2 में आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका 60 है, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क हर एक क्वेश्चन का मूल्य 3 मार्क रहेगा, मतलब टोटल जो है आपका जो सेक्शन 1 में 180 मार्क का होगा, जिसके लिए आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा, ठीक है। बट जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 1 घंटा 20 मिनट समय दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 में देखिए मॉड्यूल 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका रहेगा, इसमें देखिए 40 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन का मूल्य 3 मार्क का होगा। मॉड्यूल 2 में आपका देखिए सेक्शन टू
आपका मॉड्यूल टू। मॉड्यूल टू में जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन आपका देखिए 20 क्वेश्चन रहेंगे और 3 मार्क के हिसाब से 60 मार्क। तो टोटल देखिए आपका सेक्शन जो 2 है, ये जो सेक्शन 2 में भी आपको 180 मार्क का एग्जाम देना होगा, ठीक है। और इसका भी जो समय है 1 घंटा, जो हैंडीकैप्ट कैंडिडेट्स हैं इनको भी 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा। थर्ड आता है आपका जो जो आता है यहाँ पर देखिए सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जो मॉड्यूल 1, सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 जो होगा कंप्यूटर नॉलेज आपका मॉड्यूल होगा, ठीक है। इसमें आपका देखिए 15 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का मूल्य 1-3 मार्क रहेगा, मतलब टोटल 45 मार्क का किया जाएगा। और इसके लिए समय देखिए आपका 15 मिनट का समय दिया जाएगा, बट जो हैंडीकैप्ट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपका 20 मिनट का समय दिया जाएगा। ये जो है जैसे मैंने बताया था आपका जो सेशन 1 है, ये देखिए आपका सेशन 1 में आपका 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन के लिए जो समय दिया जाएगा टोटल, जैसे मैंने बताया था 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, और टोटल मार्क इसमें हो जाएंगे जैसे आपका ये हो गया 360 और 45 405 मार्क का आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेशन 2। यहाँ पर देखिए आपका सेशन 2 में क्या होगा, जो सेशन 2 में, इसमें देखिए सेशन 2 में आपका सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2, सेक्शन आपका सेशन 2 में सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 में इसमें आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट करवाए जाएंगे। स्किल टेस्ट या आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो होगा आपका देखिए DO, जो जितने भी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है जितने भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में, उनका होगा आपका जो स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, जिसके लिए आपका 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जो हैंडीकैप्ट कैंडिडेट्स के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखिए वही सेम आपका सेक्शन, जो सेक्शन आपका 3 है मॉड्यूल 2 में, पार्ट बी में देखिए जो स्किल टेस्ट, जो आपका DO, जो DO है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्सेप्ट डिपार्टमेंट इन मिनिस्ट्री मेंशनड इन पारा 8.1। जैसे मैंने बताया था सबसे जो आपका पारा, जो आपका 8.1 जिसमें मैंने बताया था जो 4 डिपार्टमेंट के लिए जो DO है उनको छोड़कर बाकी जो अदर डिपार्टमेंट है उनके जो DO वगैरह के लिए, उनके लिए अलग से जो है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, जिसके लिए आपका 15 मिनट समय दिया जाएगा। पार्ट सी में यहाँ पर देख सकते हैं ये खास करके आपका टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC और JSA, आपका लोअर डिवीजन क्लर्क और जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, इनके लिए सिर्फ टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, जिसके लिए आपको 10 मिनट समय दिया जाएंगे, बट जो हैंडीकैप्ट कैंडिडेट से उनको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें देखिए जो जिसमें मैंडेटरी चीज क्या है, कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल सेक्शंस इन Tier 2। Tier 2 में जितने भी सेक्शन से सबसे पहले तो आपको क्वालिफाई करना होगा। और Tier 2 में देखिए इसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो इसमें जो Tier 2 में जो क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल 2। जो सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 को छोड़कर बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगे, किसी प्रकार का आप कन्फ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट जो नेगेटिव मार्किंग, जैसे आपका Tier 2 के ऊपर नेगेटिव मार्किंग जो रखा गया 1 मार्क सीधा आपको नेगेटिव मार्किंग तौर पर आपको काट दिया जाएगा, ये खास करके Tier 2 के लिए। इसमें देखिए आपका जो मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 जिसके अंदर आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, ये मैंडेटरी है, बट ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर जो मॉड्यूल 2 सेक्शन 3 जो है इसके अंदर आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो इन आपका सेक्शन 2 ऑन द सेम डे, इसमें ये बताया गया है देखिए मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 विल बी इंक्लूड फॉर कंडक्टिंग ऑफ आपका स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट इन द सेशन 2 ऑन द सेम डे, ठीक है, सेम डे में ये कार्रवाई करवाई जाएंगे। और जो स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा ये भी आपका प्योरली आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका कोई भी मार्क आपका जो है फाइनल सिलेक्शन में जोड़े नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर और जो कुछ डिटेल्स है जो नोटिफिकेशन डिटेल्स, जैसे मैंने सेल्फ स्टडी लिखा हूँ, जो कैंडिडेट्स इसको पढ़ना चाहते हैं पूरी तरह से नोटिफिकेशन को, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे बात करूँगा आपका सिलेबस की, देखिए आपका Tier 1 की यहाँ पर सिलेबस दिया गया है और Tier 2 का सिलेबस दिया जा चुका है। जैसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल आपका इंटेलिजेंस का, ठीक है, आपका उसी हिसाब से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और
नेक्स्ट आपका जो जनरल जो अवेयरनेस के ऊपर जो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आपका इंडिकेटिव जो इंडिकेटिव सिलेबस दिया गया है उसी हिसाब से यहाँ पर देखेंगे। आपका टाइप टू का सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। मैं पेज को स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। नहीं तो दूसरी एक ऑप्शन है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो इस नोटिफिकेशन देखिए ये 65 पेज का नोटिफिकेशन है। इस वीडियो में सारे पेज को कवर करना जो है लाइन बाय लाइन कवर करना जो है मुश्किल है, इसलिए इसको मैं शेयर करूँगा। इसमें देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मेन फैक्ट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसका पूरी नोटिफिकेशन जो कैंडिडेट्स पढ़ना चाहते हैं मेरा टेलीग्राम पेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप ज्वाइन करके उसको जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर देखिए आपका पोस्ट प्रेफरेंस। ये जो पोस्ट प्रेफरेंस का एक ऑप्शन आपको मांगा जाएगा जैसे आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया गया है। जो आपका जैसे यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फ्रॉम ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन बिफोर आपका डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। आपका फाइनल रिजल्ट निकलने से डिक्लेयर होने से पहले आपको जो है प्रेफरेंस मांगा जाएगा, आप कौन सी डिपार्टमेंट में जो है ज्वाइन करना चाहते हैं या कौन सी डिपार्टमेंट को आप कौन सी मिनिस्टर को प्रिफर करते हैं। और उस टाइम ये बिल्कुल मैंडेटरी है आपको जो एक तो वेबसाइट में जाना होगा, जाके जो प्रेफरेंस जो फॉर्म है जो ऑनलाइन ऑप्शन का जो ऑप्शन फॉर्म है वो ऑप्शन फॉर्म में जो डाटा मांगा गया है उस डाटा को फिलअप करके आपको सबमिट करना अनिवार्य है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन के समय पर सिलेक्शन प्रोसेस से आपको बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका टायर टू का रिजल्ट निकलने के बाद जो आपका यूजर डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी के आप वैकेंसी के लिए आप प्रेफरेंस दिया है वही डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका 10+2 सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट, जो काउंसिल सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट्स ये दावा करता है जो है मान लेते हैं उसका 10+2 नहीं है, ठीक है, बट वो दावा कर रहा है कि वो जो मेरा जो मेरे पास जो एजुकेशन है वो 10+2 के साथ बराबर है, तो वो ये कहाँ पे लिखा गया है, कौन सी लेटर में मेंशन किया गया है, ठीक है, या कौन सी ऑर्डर में मेंशन किया गया उसका कॉपी आपको देना होगा। खास करके जो रिजर्व कैटेगरी के लिए उनको कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट उनको देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है खास करके जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो खास करके जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए उनको हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से जो है उनके लिए एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, और उनके देखिए एक अंडरटेकिंग भी आपका इस एनेक्स ईयर में दिया गया है, एक अंडरटेकिंग का सर्टिफिकेट उनको साइन करके देना है। कोई भी अगर सर्विंग सोल्जर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एनेक्स ईयर आपका 7th में जो मांगा गया एक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट उसी सर्टिफिकेट के तहत तो उनको डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा, और कोई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनको देना होगा, ठीक है। रिलेवेंट सर्टिफिकेट इफ सीकिंग एनी आपका एज रिलैक्सेशन, ठीक है, अगर जो कोई कैंडिडेट्स अगर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो रिलेवेंट जो सर्टिफिकेट जो है वो आपको जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए लागू है जो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से जो है कार्यरत है, तो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको देना होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आता है आपका जो कट ऑफ कुछ इस तरह से रखा गया है, जैसे खास करके आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन टायर 1 एंड टायर 2 जो रखा गया है यूआर कैंडिडेट्स के लिए 30%, आपका ओबीसी ऑब्लिक आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए आपका 20% रखा गया। देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन टायर 1 एंड सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है, टायर 2 में इनके लिए मिनिमम कट ऑफ ये रखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो प्रिपेयर किए जाएंगे। देखिए प्रिपेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा ऑफ द कैंडिडेट्स इन टायर 2। जो आपका जो टायर 1 है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, टायर 1 का जो मार्क है वो फाइनल आपका मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। जो आपका मेरिट लिस्ट जब प्रिपेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टायर 2 ओनली, टायर 2 में जो जो टेस्ट है सिर्फ टायर 2 का क्वालिफाइंग जो टेस्ट को छोड़कर बाकी जो टेस्ट में जो मार्क होगा टोटल मार्क एग्रीगेट किया जाएगा, और इन ऑर्डर ऑफ मेरिट आप अगर उस लिस्ट में अगर आते हैं आपको फाइनल सिलेक्शन जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा
यहाँ पर देखिए कुछ सर्टिफिकेट्स का जो फॉर्मेट जैसे मैंने बताया था एनेक्स ईयर वन में, खास करके जिन कैंडिडेट्स का लाइट राइटिंग फिजिकल आपका जो जैसे सर्टिफिकेट रिगार्डिंग आपका फिजिकल लिमिटेशन फॉर ए जो एग्जामिनी टू राइट, अगर कोई कैंडिडेट्स लिख नहीं पाता जो हैंडीकैप्ट जिनका जो कैंडिडेट्स है जिनका हैंडीकैप्ट का परसेंटेज आपका 40% से बिलो है, 40% से कम है, अगर उनका फिजिकल लिमिटेशन दिया गया है टू राइट, मतलब वो लिखने में जैसे 2 घंटा अगर टेस्ट लिखना है 2 घंटा के टेस्ट और वो लिखने में अक्षम रहेंगे, तो उस तरह की कैंडिडेट्स अगर स्क्राइब यूज करना चाहते हैं वो स्क्राइब यूज कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि उनको ये जो सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, तभी जाके उनको स्क्राइब की फैसिलिटी दिया जाएगा। नेक्स्ट अभी बात करेंगे, खास करके इसमें दिया गया है जो पर्सन जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है उनके लिए जो सर्टिफिकेट इसमें मंगा गया है ये जो फॉर्मेट के तहत उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत कराना होगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑफ स्क्राइब, अगर स्क्राइब यूज करना चाहते हैं तो इसी फॉर्मेट में जो है उनको जो एक सर्टिफिकेट देना होगा जो आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ऑफ जो डिसेबल कैंडिडेट्स का जो है इस तरह के एक फॉर्म फिलअप करके देंगे, ठीक है। और ये तमाम जो सर्टिफिकेट का यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक आपका फिलिंग अप जो आपका प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप किस तरह फिल करेंगे, यहाँ पे बिट बाय बिट जो लाइन बाय लाइन जो है दिया गया है। जो कैंडिडेट्स इससे समझना चाहते हैं इसको भी पॉज करके आप वीडियो को पॉज करिए और पढ़ के इसको आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये तमाम पॉइंट्स आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रोसेस में दिया हुआ है, बाकी आप जो है सभी कैंडिडेट्स को मैं समझता हूँ जितना मैं इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया आप लोग आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। अंत में एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस नोटिफिकेशन पीडीएफ को इस वीडियो को देखने के बाद एक बार मेरा टेलीग्राम पेज से आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पूरी तरह से एक बार पढ़ लीजिए, सारे जो प्रोसेस है इसमें बिट बाई बिट लाइन बाई लाइन लिखा गया है। आशा करता हूँ जो मेरा देश के सभी जो कैंडिडेट्स से बहुत मेल फीमेल कैंडिडेट्स इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग आराम से जो है इसका सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ इस नोटिफिकेशन को यहीं पर क्लोज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।